यहाँ हमें आ जाना है फ्री पिक में। फ्री पिक साइट आपको गूगल में जाके सर्च करना है। तो यहाँ पे फ्री पिक साइट पर मैं आ जाता हूँ और आज जो ग्राफिक लेने वाला हूँ वो फ्री पिक साइट से ही मैं लेने वाला हूँ। दोस्तों ये ग्राफिक देखकर मुझे एनिमेशन बनाने का आइडिया आया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये ग्राफिक लेके आपको एनिमेशन बना के दिखाऊँ ये मैंने सोचा है। तो यहाँ मैं ये फ्री पिक में जाके सर्च करता हूँ कि बाइक या हेलमेट जो भी नाम से, तो ये हमारा जो ग्राफिक है वो हमें मिल जाएगा। एक आदमी रेसिंग बाइक पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा सीन है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इसको एनिमेट करने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखो यहाँ मैं वेक्टर सर्च कर लेता हूँ, मैंने टाइप किया है हेलमेट, तो यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ मुझे मिलता है क्या, नहीं तो फिर मुझे सेकंड पेज पर भी जाना पड़ेगा नेक्स्ट करके। तो देखो अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करके मैंने देखा जो ग्राफिक चाहिए वो है नहीं, तो फिर सेकंड पेज पर आ जाते हैं। तो सेकंड पेज पर आने के बाद में थोड़ा और स्क्रॉलिंग करने के बाद में मुझे मेरा ग्राफिक यहाँ मिल जाता है। तो ये ग्राफिक जैसे ही मुझे मिल जाता है, तो आपको तो मैंने बताया कि फ्री पिक का ग्राफिक हमें एनिमेट में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है। एनिमेट में यूज़ करने के लिए उस ग्राफिक को आपको अगर EPS फाइल है तो AI में कन्वर्ट करके, मतलब इलस्ट्रेटर में कन्वर्ट करके आपको वो एनिमेट में खोला जा सकता है और उसका एनिमेशन हम कर सकते हैं। वो ग्रुप में भी मिल जाता है, लेयर बाय लेयर भी मिल जाता है। तो देखो यहाँ से ये फ्री डाउनलोड कर लेना है, फ्री डाउनलोड करके बाद में जहाँ चाहे वहाँ स्टोर करो, फिर फोल्डर एक्सट्रैक्ट करो और फिर उसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट है वो देखना है। और जैसे ही वो फाइल फॉर्मेट आप EPS का AI करके एनिमेट में इंपोर्ट कर लोगे या डायरेक्ट ड्रैग किया तो भी चलता है, वो खुल जाता है। तो यहाँ देखो अभी ये मैंने यहाँ खोला है, लेकिन ये फोल्डर मतलब जो जिप होता है वो ओपन हुआ है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके फिर हम उसको खोल सकते हैं। तो एनिमेट सॉफ्टवेयर में मैं आ चुका हूँ। एनिमेट सॉफ्टवेयर में मैंने देखा अभी यहाँ, तो हमारा जो ये है ग्राफिक, ये स्टेज जो होता है, जो हमें 920x1080 मिलता है, उसके बाहर का भी एरिया हमें विजिबल हो रहा है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं करना है, मतलब हमें जो स्टेज में क्या है वही देखना है। तो यहाँ इसके लिए एक बटन दिया है और CS3 तक एक शॉर्टकट रहता था, शिफ्ट कंट्रोल W। तो अभी यहाँ हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके यही शॉर्टकट्स इसको असाइन करेंगे, ताकि हमारे फिंगर्स को, हमारे माइंड को जो आदत है कंट्रोल शिफ्ट W करने की, तो वही शॉर्टकट अभी मैं यहाँ दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊँगा एडिट में, एडिट में जाके मैं देखूंगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स कहाँ है। उससे पहले इसका नाम देख लेना है, क्लिप कंटेंट टू स्टेज। तो यहाँ एडिट में हम आ गए कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ क्लिप, तो वो ले लेगा। तो जैसे ही वो वहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा, तो हमें ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड के बटन पर क्लिक करते ही हमें वो कीज दबा देना है जो कि शॉर्टकट हमें चाहिए। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट W दबाने के बाद में यहाँ वो विजिबल हो जाता है। देखो ऐड के दबाने के बाद में वो ब्लू हो गया और मैंने वो बटन दबा दिया। फिर उसके बाद में उसको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ओके कर दोगे तो ये शॉर्टकट्स आपके लिए काम करने लगेगा, मतलब जो भी स्टेज के बाहर का एरिया वो दिखेगा नहीं। तो देखो और अभी यहाँ पर इसको हमें करना है एनिमेट, तो उसके पहले इसको मैं छोटा कर लूंगा। तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसका शॉर्टकट होता है क्यू, तो क्यू प्रेस करने से भी ये आ जाता है। अगर आपको क्यू से नहीं पता कौन सा है तो वो है प्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको शिफ्ट दबा के और अल्ट शिफ्ट दबा के भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अभी आप नीचे एक ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन मतलब जो एनिमेट में कैमरा दिया है वो है, वो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो सी दबने के बाद अपने आप आ जाता है। तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ इसको ऐसा सेट कर लो। अभी मैंने देखा कि हमारा जो ग्राफिक है वो स्टेज से थोड़ा छोटा है, हमें उसको बड़ा करना है, या तो जितना ग्राफिक का साइज है उतना भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ एनिमेशन ही करके देखना है। ये हमें ना तो किसी क्लाइंट को देना है ना कुछ, ये दिस इज द प्रैक्टिस, ये एक असाइनमेंट है हमारी। लेकिन तो भी मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें ग्राफिक में इजिली अवेलेबल हुआ है फ्री पिक से। तो यहाँ देखो मैं ये जो ग्राफिक है इसको बड़ा देता हूँ।
रोड को भी बढ़ाना है। तो दोस्तों ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा बहुत भी पर्सपेक्टिव का नॉलेज है तो आप ये ड्राइंग्स को ग्राफिक को अच्छे से एडिट कर पाते हो। तो इसके लिए थोड़ा बहुत ड्राइंग करते रहो, जिससे कि आपका काम कितना तो भी परसेंट अच्छा हो के उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ड्राइंग से आप ज़्यादा काम कर पाते हो। तो देखो वही लाइन में मैं इसको बड़ा कर दूंगा, तो ये मेरे लिए ऐसा बड़ा ग्राफिक बन जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही मैं ये ग्राफिक बढ़ाने के लिए एक एक उसका नोड पकड़ रहा हूँ, ओके, जो वर्टेक्स बोलो या नोड बोलो, यहाँ पकड़ रहा हूँ, इसमें इसको नोड बोलते हैं, तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो इसको पकड़ने के लिए जो टूल है वो कौन सा है, ए दबाने से एक्टिव होता है, एंकर टूल। तो एंकर टूल से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जहां पर भी ग्राफिक आपको एडिट करना होता है, आप ट्राई करो कि एंकर टूल से ही करो। कंट्रोल प्रेस करने से जो एरो आता है, मूविंग टूल उसको बोलते हैं, उससे बड़ा मत करो, क्योंकि आप जितनी भी बार अपने ग्राफिक को टच करके छेड़ोगे वहां पर नोड क्रिएट होने के चांसेस बहुत बहुत होते हैं। उससे क्या होता है, अभी आप ठीक है क्लासिक मोशन ट्यून में काम कर रहे हो, लेकिन जब आप शेप ट्यून में काम करते हो तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने नोड्स क्रिएट हो जाएंगे उतने आपको शेप हिंट लगाने पड़ सकते हैं, या शेप सही से नहीं बैठ सकता है। इसके लिए ग्राफिक एडिट करना है तो हमें ध्यान रखना है एंकर टूल से ही उसको छोटा या बड़ा या उसका रीशेप करना है। तो चलिए अभी हम इसको फटाफट अपना ग्राफिक को एडिट कर लेते हैं। दोस्तों आपके लिए ऐसे यूजफुल ट्यूटोरियल लाना मेरे लिए थोड़ा सा, मतलब ये होता है कि बहुत टाइम टेकिंग होने के कारण थोड़ा मैं लेट लेके आता हूँ, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। और दोस्तों आपको अगर समझो ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल उन्होंने, और आप देख रहे हैं अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मिलते हैं ड्राइंग के वीडियोस, एनिमेशन की वीडियोस, कैलीग्राफी की वीडियोस और आर्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं यहाँ डालते रहता हूँ। बच्चों के लिए अल्फाबेट से ड्राइंग कैसे करें, ए अल्फाबेट से जेड अल्फाबेट तक पूरे ट्यूटोरियल यहाँ पर है, जो कि सबके लिए ड्राइंग आसान करने की टेक्निक यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल है। और अभी देखो इसका मैं ग्राफिक बनाऊंगा, तो सिंबल या ग्राफिक जो भी है, तो इसको मैं कोई सेट नहीं करूंगा मेरे ड्राइंग को। तो यहाँ हमें ग्राफिक बनाने के लिए जाना होता है मॉडिफाई में, मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट टू सिंबल, या उसका शॉर्टकट होता है F8। यहाँ इसको आपको एक नाम दे देना है, जो भी नाम आप चाहते हैं, रोड लाइन, स्पीड लाइन, जो भी आपको सही लगे, या ABCD, लेकिन नाम जरूर दे देना है दोस्तों। जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे तो आपको पता चलेगा, नाम नहीं देने से किसी आर्टिस्ट ने आपके पास वो फाइल आ जाती है, उसको सिंबल 1 सिंबल 2 होता है, जब आप रिप्लेस करोगे तो कोई भी सिंबल कुछ भी रिप्लेस हो सकता है, आपका एनिमेशन बिगड़ सकता है, तो नाम जरूर दे देना है, ठीक है, ये आदत लगा लेना है हमको। तो यहाँ देखो अभी ये दूसरा जो मैं ग्राफिक बनाऊंगा तो इसका ड्राइंग मैं सेट कर ले रहा हूँ, जैसा हमें वो बॉक्स में दिख रहा है ना, जो बॉक्स दिख रहा है देखो एक, तो उसके अनुसार ही इसका ग्राफिक करेंगे, तो आपको इसको फिर स्केल अप स्केल डाउन करने का क्या बेनिफिट है वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ सिर्फ एनिमेट ही नहीं करके बता रहा हूँ मैं आपको, एनिमेट करने से पहले लेने वाली प्रिकॉशन को भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बार हम जल्दी में क्या करते हैं, ग्राफिक को क्लिक करके F8 प्रेस करके उसका हम ग्राफिक बना देते हैं, या तो कोई कोई राइट क्लिक करके क्लासिक मोशन ट्वीन बना देते हैं और बोलते हैं कि पूरे लाइब्रेरी में सिंबल बन गए। दोस्तों जो राइट क्लिक करके बनते हैं क्लासिक मोशन ट्वीन देने के बाद में, वो ग्राफिक नहीं होता है, वो ट्वीन ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि आपके फायदे में नहीं है। तो आप ग्राफिक बनाने की भी आदत डालें। तो देखो यहाँ पर अभी इसको मैं स्केल अप स्केल डाउन करके बताऊंगा एरो पकड़ के, तो ये आपके लिए कितना आसानी से छोटा या बड़ा होने वाला ग्राफिक बन सकता है। और जो कि दूसरा हमने ऐसे ही सिर्फ क्लिक करके F8 प्रेस करके सिंबल बनाया, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये सोचो कि ये अगर आप किसी हैंड या लेग को बड़ा करना है तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एफेक्ट करके आपको उसको सिंबल बना के काम करना है। देखो ये कैसा हो रहा है सही लाइन में, अभी दूसरा देखना कैसा हो रहा है। तो दोस्तों ये एनिमेट करने से पहले लेने वाली थोड़ी प्रिकॉशन है, कि जिससे आपका एनिमेशन, अभी हम प्रिपरेशन अच्छी कर लेंगे तो बाद में जो एनिमेशन हम करेंगे तो उस समय हमारा टाइम जाएगा नहीं, या हमारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं।
तो यहाँ हमें बाइकर और उसकी शैडो को अलग लेयर पर ले लेना है। यहाँ मैंने लेयर के लिए भी शॉर्टकट दे दिया है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट ऊपर क्लिक करो, लेयर वहाँ से ऐड हो जाती है। तो देखो, और इसको नाम दे दिया मैंने लेयर को बाइक करके या बाइकर करके, जो भी है ये नाम भी इसके लिए दे देना लेयर को, क्योंकि जब आप सीन को एनिमेट करोगे तो वहाँ बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो आपको नाम से उस लेयर को पहचाना जा सकता है। या तो आप उनका कलर अलग अलग कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा ब्लू लेयर हैंड की है, ये ब्लू लेयर टायर की है, ब्लू येल्लो लेयर इसकी है, तो ऐसा उसको कलर भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखो मैंने ये एक पैच एनिमेट किया है, तो जो रोड की लाइन पीछे जाएगी तो उससे पता चलेगा कि बाइक आगे आ रही है। तो इसको मैंने कैसे एनिमेट करना है अभी देखो, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 फ्रेम ले लिया है मैंने, जो 3 फ्रेम में ये लूप हमेशा चलता रहेगा। ऐसे दोस्तों एनिमेट में लूप बन जाता है, तो हमें लूप में सोचना है कि इस कौन सी चीज़ हमें लूप में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ लूप में नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये लूप में चलता रहेगा और हमें सिर्फ आधे साइड का ग्राफिक एनिमेट करना है, मतलब इधर की स्पीड लाइन, रोड की लाइन, ये बुशेज, बाद में हम फ्लिप कर देंगे तो वो अपने आप दूसरे साइड के भी एनिमेट हो जाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको एनिमेट करना है। और एनिमेट जैसे हुआ, आपने सिर्फ आदत लगाना है कि सिंबल के अंदर काम करो। सिंबल के अंदर एक सिंबल होगा, उसके बाद में एक सिंबल होगा। जैसे हमने इसको एनिमेट किया, उसके ऊपर 3 फ्रेम का सिर्फ एक होगा ग्राफिक, और उसके बाहर आपको फिर जितनी चाहिए उतनी लंबी टाइमलाइन रखना है। लेकिन आप सिर्फ इतना ही करके रखोगे तो बाद में फिर थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे देगा, बाद में आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इतने छोटे से इससे आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेम्स की। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसको नंबर दे देना है, फिर कौन सा चाहिए नंबर आपको, क्योंकि एक ही ग्राफिक हमने एनिमेट किया और हमको ये 2-3 जगह दिखने वाली लाइन चाहिए। वैसे एक लाइन से भी काम बन सकता है, क्योंकि स्पीड में क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा रोड को, जो लाइन दूर से छोटी होती है हमारे पास आके बड़ी होके फिर चली जाती है स्पीड से। तो वैसे भी आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ऑब्जर्वेशन करने वाले को तो स्कूल हर जगह अवेलेबल है, जहाँ चाहे वहाँ सीखो, पूरा मतलब हमें नेचर सिखाते रहता है। तो देखो, और हम जैसे ही रोड से चलते चलते हम देखते हैं कि ट्रीज कैसे मूव हो रहे हैं, अपने पास आके जुप करके फास्ट से निकल जाता है, ब्लरिश होता है, जो भी होता है, तो यही टेक्निक आपको यहाँ यूज़ करना है, बस ये सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एनिमेट में काफ़ी जल्दी एनिमेट आप कर सकते हो, और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली इसमें एनिमेट करने में, ताकि क्योंकि इसमें हमें दूसरे किसी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट लगता नहीं है, जो एनिमेट में आया एनिमेट का अपना बन गया समझो, ग्राफिक वही एडिट होगा, वही सब होगा, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते, लेकिन आपको बाद में अगर इफेक्ट्स देना है तो आपके लिए आफ्टर इफेक्ट्स है, वहाँ इसको लेके जाओ फाइल को, वहाँ आपको जो भी करना है, जैसे डेप्थ लाना है या और कुछ चीज़ें देना है, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में बाद में ये वीडियो लेके जाओ, वहाँ पर इसको काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ एनिमेशन आपका फास्ट हो जाएगा। देखो अभी ये लाइन कैसे एनिमेट हो रही है, थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ हो रही है, तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी देखते हैं इसको, प्ले करते हैं कैसा प्ले हो रहा है। ओके, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन बीच में ये जो लाइन आ रही है वो हमको डिस्टर्ब कर रही है, 2 लाइन पास में आ रही है ना, तो देखना अभी इस लाइन को एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही फ्रेम में एनिमेशन करना है, मतलब ये जो लाइन है स्पीड वाली, इसको सिर्फ छोटा बड़ा करना है। आप अगर देखोगे रोड के साइड में तो वो लाइन हमें सिर्फ ऐसी छोटी बड़ी होती हुई दिखती है, लेकिन वो यहाँ यूज कैसे करें, दिखता तो हमें भी है, दिखता सब लोगों को है, लेकिन एनिमेट करने वाले को या जो एनिमेटर है उसको पता है कि कौन सा काम करने से हमें वो लुक एंड फील आएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट है वो करने का, आप जानना चाहते हो। सिर्फ 2 फ्रेम से आप वो कर सकते हो, छोटा बड़ा दिखने लगेगा, तो वो अपने आप ऐसा पता चलेगा कि स्पीड में एक चीज पीछे जा रही है। राइट क्लिक करके भी आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो, या तो
F6 दबा के भी आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो। इंसर्ट फ्रेम का मतलब होता है कि सिर्फ आपको टाइम लाइन एक्सटेंड करना है, ना तो की फ्रेम चाहिए ना ब्लैंक की फ्रेम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने एनिमेट किया है, जो लाइन आपको मैंने वाइट दिखाई थी वैसे ही इस लाइन को भी हमें एनिमेट कर लेना है। जो ग्रे कलर का पैच है रोड का, उसको भी हमें ऐसा थोड़ा सा एनिमेट करना है, क्योंकि हर चीज़ में एनिमेशन ऐड होगा तो ही हमारा जो एनिमेशन का सीन होगा वो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। देखो अभी हर चीज़ एनिमेट हो रही है, जैसे मूविंग आप देखते हो तो हर चीज़ कुछ ना कुछ तो भी मूव हो रही है या कुछ ना कुछ तो भी चल रहा होता है। तो वैसे ही एनिमेशन करते समय भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ में एनिमेशन ऐड किया है या नहीं। तो हम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा एनिमेशन यहाँ ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैं एनिमेशन ऐड करते जाता हूँ तो आप देखिए कि अपना सीन जो आज हम एक एक सिर्फ ग्राफिक मिला था, जो ग्राफिक से मुझे आइडिया आए और उस ग्राफिक के आइडिया को एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय जाता है ये आप यहाँ देखो। ये इससे जैसे अभी जो बुशेस है तो ये बुशेस भी हमें एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ इसका और एक सिंपल फॉर्म ले रहा हूँ। ये कितना सिंपल मैं कर सकता हूँ ये मैं यहाँ सोच रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं 2 या 3 फ्रेम में ही एनिमेशन करके रख दूँगा। यहाँ थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ाने से हमारा ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको तो जो बेसिक्स है क्या क्या करना है, मतलब यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल हो उतना सिंपल ये ट्यूटोरियल बने और उतनी ही सिंपल वे से आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। दोस्तों ये ट्यूटोरियल अगर आपके लाइफ में या आपके नॉलेज में, आपके करियर में कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको 500 लाइक्स तक पहुँचा दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए या जो भी एनिमेशन का ट्यूटोरियल बनाना है तो आप जानते हो कि ये बहुत लंबी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें हमें बहुत काम करना होता है। और एनिमेशन करने से पहले अगर प्लानिंग हमारे पास नहीं है तो हम विदाउट प्लानिंग किया गया काम हमें फंसा सकता है, तो वैसे ही एनिमेशन में हम फंस सकते हैं। तो इसमें प्री प्लानिंग ज़रूरी है, तो प्लानिंग के साथ एनिमेशन करना कभी भी, और जब भी हो तभी रफ ड्रॉ करते रहना है। रफ ड्राइंग से हमें पूरे सीन का एक मैप मिल जाता है कैसे कैसे एनिमेट होगा। भले आपको स्टोरी बोर्ड भी मिला है तो भी आपका एक रफ एनिमेशन करके देखना टाइमिंग के साथ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ से एक हमें भी डिसिप्लिन लगता है कि काम आने के बाद, हमारे पास काम आने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो हम यहाँ उसी के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने भी वही किया है कि मतलब ये सीन, ये छोटा ग्राफिक है, मज़ेदार लगेगा करने के बाद, लेकिन इसको करने से पहले क्या प्लानिंग होना चाहिए ये पूरा मैंने सेट किया था, उसके बाद ही मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ। तो देखो और एनिमेशन होने के बाद तो एकदम सिंपल लगता है, देखने वाले को लगेगा अरे यार ये क्या इतना सा तो है एनिमेशन करना है, लेकिन एनिमेटर को बताए कि इसमें कितना कितना समय क्या क्या चीज़ करने में जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एनिमेशन हुआ है उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी से कॉपी पेस्ट कर लूँगा और इसको मैं सिर्फ हॉरिजेंटली इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। आप ट्रांसफॉर्म टूल से इसको हॉरिजेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो मॉडिफाई में जाके आपको मिलेगा या तो राइट क्लिक करके भी आपको मिल सकता है। तो देखो मैं हर चीज़ वहाँ रख दे रहा हूँ जहाँ रिक्वायरमेंट है या जहाँ पर वो ग्राफिक में थी। देखो अभी मैं यहाँ सभी ग्राफिक्स उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर देता हूँ और उसके बाद में हम आगे जाएंगे, जो कि हमारी बाइक को हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़, मतलब उसके शॉर्टकट्स भी थोड़े से ध्यान रखने होंगे
और शॉर्टकट्स के साथ साथ आपको राइट क्लिक या जो भी है, और पेंट टैबलेट जरूर होना चाहिए आपके पास अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हो या एनिमेशन करना चाहते हो। आप सोचोगे माउस के साथ हम कर लेते हैं, या हमारे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मैं माउस के साथ कर लेता हूँ, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हमें अच्छा काम करना है, तो पेन टैबलेट हमारे पास होना चाहिए। आप मार्केट से इजीली पेन टैबलेट ले सकते हो। पेन टैबलेट से बहुत फायदा है, एनिमेशन के साथ आप कैरेक्टर डिजाइनिंग भी कर पाओगे, आपके लिए वो भी अच्छा है क्योंकि आप डायरेक्ट सिस्टम पर ड्रॉ कर सकोगे और आपका हाथ डायरेक्ट पेंसिल की तरह चलेगा। तो यहाँ देखो ये एनिमेट तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो अभी एनिमेशन मैंने किया है, आपने देखा हमने वीडियो भी प्ले किया, तो इसमें लगभग सारे एलिमेंट्स हमने मूव कर लिए, लेकिन अभी हमने बाइक को या बाइकर को एनिमेट नहीं किया, तो इसका मैंने बना लिया है सिंबल। तो सिंबल बनाने के लिए हमें प्रेस करना होता है F8 की, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, या तो आप इसको राइट क्लिक करके भी सिंबल कर सकते हो। तो अभी इसकी शैडो और इसका जो बाइक है, बाइक और शैडो दोनों, यह हमें एक सिंबल में रखना है। बाद में इस सिंबल के अंदर जाने के बाद हम बाइक अलग कर लेंगे और शैडो अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों लूप में अलग अलग चलती रहेगी। और जैसे ही इसका टायर एनिमेट हो जाएगा तो और भी मजा आएगा। तो टायर एनिमेट कैसा करते हैं ये भी आप देखो दोस्तों। सिर्फ ये आपको एक फील देना होता है, मतलब व्यूवर्स को लगे ये चीज हो रही है, एक्चुअल में वैसा नहीं है, एक्चुअल में टायर नहीं घूमेगा क्योंकि ये 2D है, लेकिन वो फील आएगा कि ये घूम रहा है। तो उसके लिए कितना, 2 या 3 फ्रेम का ही एनिमेशन होता है, तो वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वीडियो, कोई भी बीच में से स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो छूट जाए। वीडियो लंबा है मैं जानता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल भी अच्छा बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल टाइम लेकर बनाया। इसको लगभग मुझे 1 वीक लगा है, एनिमेशन का टाइम छोड़ के रिकॉर्डिंग में जब टाइम मिला तब मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो दोस्तों इसको स्किप मत करो। देखो अभी टायर एनिमेट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले शैडो और बाइक इसका सिंबल, फिर शैडो का अलग, बाइक का अलग, फिर बाइक के अंदर जाने के बाद में फिर मैंने क्या किया है, देखो ये टायर को भी मैंने एनिमेट किया है, और आप बाइक को भी ऐसा मूव कर सकते हैं जब ये लगेगी कि वो रियल में थोड़ी सी मूव हो रही है। ये हम लास्ट में करेंगे, यहाँ मैं जैसे आपको दिखाया अभी, ये अभी नहीं करना है, ये बाद में, ये टायर मूव मैं कर रहा हूँ अभी मूव। तो टायर के लिए देखो इसको आपको जब भी सिंबल के अंदर जाना है, इसका एक शॉर्टकट दे के रखो एडिट इन प्लेस, या डबल क्लिक कर कर भी आप वो सिंबल ग्राफिक के अंदर जा सकते हो। सिंबल में कितने टाइप है ये आप कमेंट करके मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंबल में कितने टॉपिक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, अगर आपके लाइफ में या आपके नॉलेज में सच में ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो कमेंट में आप सिंबल कितने प्रकार के है ये कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ देखो मैं ये लाइंस बना रहा हूँ जो कि स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये ब्रश से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये लाइन हमें ऐसी बनानी है कि जैसे शुरू की और लास्ट की इन दोनों में लूप बनता रहे, मतलब जो दिखे वो ऐसा लगे कि यहाँ से स्टार्ट होके बीच में बड़ी हुई, फिर छोटी हुई, फिर वापस वो लूप चलता रहे। तो आपको ये विजुअली ऐसा बनाना है। अभी देखो मैं यहाँ कैसे कैसे ये ग्रे कलर से लाइन डाल रहा हूँ, जैसे अभी हमारा ब्लैक है, ये डार्क कलर है, तो जब भी ये एफएक्स लाइन, इसको आप एफएक्स बोल सकते हैं, एफएक्स बोलते हैं इसको 2D एनिमेशन में, इसका एक पहले अलग डिपार्टमेंट होता था, अभी भी बड़ी कंपनियों में अलग अलग होता है, लेकिन बहुत लोगों ने अभी लाइब्रेरी बना ली है तो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एनिमेटर्स है जिनको पता होता है कि कैसे किया जाए, तो वो खुद भी अपने सीन में कर देते हैं। जो कि आप कहीं प्रोडक्शन हाउस में जाओ, ठीक है, आपका एफएक्स इतना अच्छा नहीं होगा, मुझे पता है मैंने किया इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो अप्रूवल लेवल तक के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे लीड डायरेक्टर उनको भी पता चल जाता है हाँ इसके बाद में ऐसी मूवमेंट रहेगी, तो वो आपका सीन अच्छा दिखता है। तो यहाँ देखो मैं कितने सिर्फ 3 फ्रेम्स में एनिमेशन कर रहा हूँ, मतलब 3 की यहाँ पे ली है, तो देखिए। और
कैसे कैसे मैं यहाँ जैसे हर फ्रेम पर ड्राइंग कर रहा हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पर मैं लास्ट वाली फ्रेम में फर्स्ट फ्रेम का लूप बना रहा हूँ कि जो ऐसा दिखे, मूव होता हुआ रोटेशन रोटेशन में। तो अब रोटेशन में चीज़ें कैसे दिखती है या क्या, तो इसके लिए मेरा हमेशा एक सलाह रहती है, एडवाइस होता है कि ड्राइंग करो। ड्राइंग करने से विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगी और आप जल्दी से विजुअलाइज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, काम अच्छा हो सकता है ड्राइंग करने से। तो ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें एकदम मास्टर बनना है। एनिमेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग का नॉलेज है तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग अगर अच्छा है तो आप अच्छा और अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अभी यहाँ पर ये टायर का मैंने जो अभी लाइन दिया है, लेकिन ये लाइन मास्क होनी चाहिए। तो ये मास्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टायर को कॉपी कर ले रहा हूँ। ऊपर एक लेयर ले ली है मैंने और वो लेयर के ऊपर इसको कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर कि ये थोड़ा हिस्सा वो मड गार्ड के ऊपर आ रहा है, तो इसको मुझे कट करना है। तो मैंने उसको यहाँ से डिलीट कर लिया। आप इरेज भी कर सकते हैं, और मास्किंग करने के लिए आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक कर कर भी आप मास्क कर सकते हैं। तो देखो, उसको मास्क कर दिया तो नीचे की लेयर उसके अंदर चली गई, तो जितना हमें दिखाना है व्यूअर्स को उतना ही दिखेगा, उसके बाहर का कुछ भी काम दिखेगा नहीं। देखो, अभी टायर भी मूव हो रहा है तो कितना बढ़िया लग रहा है अभी, लेकिन शैडो नहीं मूव रही है। तो हमें शैडो में भी एनिमेशन देना है, जो कि शैडो भी हमें थोड़ी सी हिलती हुई दिखेगी। हर चीज़ में जब थोड़ा थोड़ा एनिमेशन ऐड होता है तो एनिमेशन सीन दिखने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, लेकिन प्रैक्टिस से और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम करने से पता चलता है कि कहाँ तक कितना काम किया जाए जो जल्दी हो जाए और कहाँ रुका जाए। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनिमेशन करते वक्त कि कहाँ रुका जाए, बिकॉज दिस इज़ द क्रिएटिव थिंग। और कहाँ रुका जाए पता नहीं है, तो चीज़ एनहांस होती जाएगी और बाद में फिर आप जानते हैं काम डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा। तो कहाँ रुकना है इतना तय होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा बाइक और हेड, ये सिंबल दोनों अलग अलग है, मैंने अलग अलग कर लिया है, क्योंकि बाइक भी थोड़ी सी अप एंड डाउन होगी, जैसे वाइब्रेशन होता है। आप देखो, कितना भी प्लेन रोड रहो तो भी बाइक थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, ऐसी दिखती है हमें ऊपर नीचे हिलते हुए। तो वो हमें यहाँ देना है, लेकिन यहाँ अभी क्या हो रहा है सिस्टम में, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मैंने देखा कि स्नैप भी कोई ऑन नहीं है, ना तो स्नैप टू गाइड है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, ना तो स्नैप टू पिक्सल है, तो भी ये थोड़ा सा ज़्यादा मूव हो रही है, मुझे उससे कम चाहिए। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए ट्रिक क्या है, अभी मैं यहाँ देखो कर रहा हूँ। तो यहाँ अभी जैसे ही मैं हेड को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लूँगा, आप इसको देखते रहो, वो भी आपको पता चल जाएगा कि हमें इतना एनिमेशन नहीं चाहिए था बाइक के वाइब्रेशन में, लेकिन तो भी ज़्यादा है, तो उसको मैं क्या करूँगा। तो आप देखो, अभी ये बाइक ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए। तो ये कंटिन्यू देखते रहो, इस कंटिन्यूएशन में आपको पता चलेगा कि मैं कम वाइब्रेशन देने के लिए क्या कर रहा हूँ। देखो कितना अच्छा सीन लग रहा है। ये अभी SWF प्ले हो रही है आपके सामने। SWF प्ले होने के लिए हमें शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर, या तो आप दिए गए मेन्यू में से जाकर भी आप इसको प्ले कर सकते हो। सो यहाँ देखो, अभी मैं आ गया हूँ बाइक के लेयर पर। बाइक के लेयर पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो फ्रेम्स के बीच में एक फ्रेम ऐड कर दूंगा, इंसर्ट फ्रेम। देखो, मैंने अभी इसका सिंबल कर लिया, क्योंकि ये सिंबल करने के बाद में हम एक बीच की निकाल पाएंगे। मैंने बाइक का सिंबल अलग कर लिया है। अभी देखो, ये सारी कीज मैं रिमूव कर दूंगा, इसके ऊपर नए से की डालना है। राइट क्लिक करके भी आप रिमूव फ्रेम कर सकते हो, और दो फ्रेम के बीच में हमें देना है क्लासिक मोशन ट्विन। क्लासिक मोशन ट्विन भी आप दे सकते हो राइट क्लिक करके,
सो यहाँ देखो मैंने बाइक को थोड़ा सा नीचे ले लिया है और पहली की में हमें सेकंड की में थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। पहली की थोड़ी ऊपर हो फिर थोड़ी नीचे हो, तो मैं क्या करूँगा इसके बीच में जो क्लासिक मोशन ट्यूनिंग दी है वहां पर F6 दे दूंगा, मतलब एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। तो हमें इन दोनों के बीच की एक की मिल गई है और जो मेन की थी उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो क्या होगा कि हमें एक की मिल गई है और जो सिस्टम से थोड़ा सा हमें उसको ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा जो एरर आ रहा था, ज़्यादा हो रहा था हमें जितना चाहिए था उससे, तो मैंने सेम चीज़ ऊपर के लिए भी की है नीचे के लिए भी की है। तो देखो उसके बाद में इसमें थोड़ा सा लाइट वाइब्रेशन आया है देखो, तो ये हमारे लिए अभी परफेक्ट है, तो हम यहाँ अभी रुक सकते हैं। लेकिन एनिमेशन कितने कीज में है? 3 कीज में है यहाँ पे, आप ये देखो, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम बहुत सोच लेते हैं ऐसा है ऐसा है वैसा है, लेकिन ज्यादा काम करने से, अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करने से, अपने आप को काम में व्यस्त रखने के बाद एक्सपेरिमेंट करने से आपको ये पता चल सकता है कि इसमें इतना करने से ये काम आपका फाइनल हो सकता है। यहाँ देखो ये शैडो में जो कलर है ये कलर हमें चाहिए नहीं है, हमें शैडो रखना है ब्लैक कलर में और उसका अल्फा करना है 30%, 20% या जो भी आपको परसेंटेज आपके सीन के अनुसार ठीक लगे वैसे आप कीजिए। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 30% अल्फा सही रहेगा, तो मैं देखो यहाँ टोटली इसको ब्लैक कर रहा हूँ, इसको ब्लैक करने के बाद अल्फा मैं कर दूंगा यहाँ 30%। दोस्तों जब भी आप अल्फा करते हैं तो ये एनिमेट में कभी दूसरा कलर लेता है, लेकिन अल्फा करने के बाद वापस आप वही कलर सिलेक्ट कीजिए जो आपको चाहिए। सो अभी ये देखो क्या होगा, अल्फा देने से जो रोड के नीचे की जो व्हाइट लाइन है, रोड के ऊपर जो व्हाइट लाइन है वो भी इसके नीचे से जाती हुई दिखेगी शेडो के ऊपर, और शेडो का भी हमने करना है यहाँ पे ग्राफिक, इसको जो चाहे नाम दे दो, शेडो बाइक शेडो या जो भी 1 2 3 4, और इसका पीओट मैंने बाइक के पास लगा दिया। वैसे यहाँ पीओट का इतना कोई ये नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ ये शेप इसी जगह पे रहकर ही मूव हो रहा है, तो पीओट कहीं पर भी रखो, लेकिन पीओट उसी जगह रखने की ये हमें आदत से हम हर बार पीओट उसी सही जगह पे रखेंगे। तो यहाँ देखो मैं 2 या 3 फ्रेम में इसको एनिमेशन दे दूंगा, ज़्यादा मैं कुछ करूंगा नहीं। और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब भी आप किसी शेप को अगर आपको हिलाना है तो उसके नोड्स हिलाओ, शेप को आपको कंट्रोल की से बिल्कुल नहीं मूव करना है, क्योंकि ठीक है यहाँ आप शेप नहीं दे रहे हो, लेकिन जब भी आपको शेप ट्विन ऐड करना है तो उसके लिए आपको होता है कि आप नोड्स हमेशा अपने एरो टूल से नहीं बल्कि एंकर टूल से ही मूव करेंगे। यहाँ देखो मैंने शेप दे दिया तो शेप भी अच्छे से बैठ गया है। हमें जब भी किसी शेप को मॉडिफाई करना है तो उसके नोड्स को हम किससे मूव करेंगे? एंकर टूल से, जो कि एक ही प्रेस करने से आपका एक्टिव हो जाता है। देखो टायर मूव हो रहा है, बाइक मूव हो रही है, अभी बाइक को थोड़ा सा हम इधर उधर, जैसे हम रोड पर चलते हुए मस्ती में थोड़ा आ जाते हैं तो हम बाइक थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन हम कर लेते हैं। यहाँ हमें वैसा ही इस बाइकर को हमें एनिमेशन देना है। अभी मैं देखो ये सीन, मैंने यहाँ पे क्लाउड्स भी एनिमेट किए हैं, रोड की लाइंस एनिमेट की है, रोड को थोड़ा सा एनिमेशन दिया है, बाजू के जो बुशेस थे उसको भी एनिमेशन दिया है। उसमें बाद में मैंने क्या किया है कि थोड़ी सी लाइंस भी ऐड कर दी है जो कि हमें एक वर्टिकली फील आए उसका, इसके लिए वैसे इतना नेसेसरी नहीं था, आप वही लाइन वही जो लेयर थी बुशेश की उसको ही कॉपी पेस्ट करके लाइट डार्क रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ये किया है। जब भी आप अपना सीन एनिमेट करो आपके पास पूरा फ्रीडम है और आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसा करो, लेकिन जब भी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं तो हमें स्टोरी बोर्ड एनिमेटिक बाकी सब चीज़ें देख के हमें काम करना होता है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि टायर तो एनिमेट हो रहा था लेकिन ये लाइंस ना स्टील होने के कारण थोड़ा विजुअली एरर क्रिएट कर रही थी, लाइंस छोटी है नजर में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी
दिख गई है तो हमें उसको एनिमेट करना है। सभी में यहाँ पर ये जो सभी लाइंस है टायर के ऊपर का टेक्सचर, इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसको आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस करके रखो और एक एक लाइन के ऊपर क्लिक करो तो सभी आपके लिए सिलेक्ट हो जाएंगी। सो इसको दो की में ही एनिमेशन करना है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो उससे क्या होगा, फील आएगा कि ये थोड़ी सी मूव हो रही है अपनी जगह से। सो ये फील और बाकी जो ऊपर की लाइंस है वो तो बता ही रही है कि ये चीज मूव हो रही है और ये थोड़ा सा हिल रही है। और जब भी आप सिंबल के अंदर काम करो तो इसको सिंक करना मत भूलना। आप राइट क्लिक करके सब लेयर सिलेक्ट करो और सिंक करो, नहीं तो आपको प्रॉपर्टीज में जाके भी सिंक का एक ये मिल जाता है टिक, वहां टिक करो तो सभी जो सिंबल के अंदर चीजें आपने बनाई वो सिंक में हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से प्ले हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि वो वही फ्रेम ले लेता है जो फर्स्ट वाली होगी। तो अभी एक फ्रेम को और भी एनिमेट करना है इसी टायर के इसमें। सो मैं वापस टायर में आ जाता हूँ और टायर के अंदर आने के बाद में इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। देखो तो क्या होगा, ऊपर नीचे और नीचे, मतलब ये रोटेशन वाला फील उसमें आएगा, तीन फ्रेम वाला जो हमने टायर के इसमें किया था। देखो यहाँ पर दिख रहा है टायर झूम में थोड़ा सा मूव होते हुए। अभी इसको प्ले करके देखते हैं SW। हाँ SW प्ले करने के बाद में देखो दिख रहा है, सही दिख रहा है। यहाँ ये सभी एनिमेशन मेरा अभी मैंने जो जो सोचा था वो इसमें किया है, लेकिन एक एनिमेशन अभी भी मिसिंग है। तो हमें जाना है अपने सिंबल के अंदर, देखना है टोटल कितनी फ्रेम्स है। यहाँ पर हमने देखा है कि मेन सिंबल के बाहर 62 फ्रेम्स है, तो हमें अंदर भी बाइक के अंदर 62 फ्रेम्स तक हमें इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही 62 फ्रेम्स के तक हम लेंथ बढ़ा लेंगे तो हमें यहाँ पर लास्ट की एक ऐड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने जो ऐड किया था वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हुई थी। तो देखो मैं क्या करूँगा, जैसे ही बाइक मैंने शुरू बीच में अभी बोलते बोलते कहा था कि जैसे बाइक हमारी हम अपने आप में वो जैसे होता है तो थोड़ी सी टेढ़ी होते हुए दिखेगी इधर उधर ऐसी मुंह, तो वो भी थोड़ा सा एक फील देना है, उससे एनिमेशन और अच्छा लगेगा। सो यहाँ मैं एक रैंडमली जो जो डिस्टेंस मुझे सही लग रहा है उस डिस्टेंस पर मैं कीज दे रहा हूँ और बाइक को थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा लेफ्ट साइड, अगेन दूसरी की मैं राइट साइड रोटेट कर दूंगा। तो इसके बाद में ये बाइक देखो देने ऐसा इसमें क्लासिक मोशन ट्विन देने के बाद में ऐसी मूव होते हुए दिखेगी। और मैंने शुरू और लास्ट में इसको कुछ एनिमेशन नहीं दिया ताकि एकदम वो होती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेट चलेगी, बाद में थोड़ी सी ऐसी मूव होती रहेगी तो और अच्छा दिखेगा। दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।